हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, अगर इंचेस और फिट को आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं फिट को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सम करता हूँ, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेता हूँ और यहाँ पे लेने के बाद एंटर करता हूँ, तो ये 60 फिट हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू इंचेस को जोड़ना है, तो यहाँ पे सम करता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ये भी 45 इंच आ गया है, तो यहाँ पर ये तो आ जा रहा है। लेकिन अगर जनरल वे में यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने 6 फुट, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 7 फुट, तो इन दोनों को अगर जोड़ना होगा तो ऐसे में हमारा सम आएगा। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को सम करके एंटर करते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, तो नहीं आएगा सम। तो कैसे फिर आएगा सम, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, जहां पर भी लिखना है, जैसे मान लीजिए इतने दूर में हमें ये इंचेस और फिट वाली चीजें लिखनी है, इतना दूर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके क्या करना है, कंट्रोल वन प्रेस करना है, तो ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कंट्रोल वन प्रेस करने से, ठीक है। अब यहां से जाना है कस्टम पर, और कस्टम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कस्टम पर जाने के बाद बहुत छोटा सा काम करना है, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ आएगा शायद आपके पास, मेरे पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। और हटा कर क्या काम करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले हैश का साइन बनाना है, ठीक है। और हैश का साइन बनाने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप हैश का साइन बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फुट, जैसे मान लीजिए आपको फुट को जोड़ना है, तो FT लिख देते हैं, फुट हो जाएगा ये, और फुट हो जाएगा तो फिर पॉइंट लगाइएगा, और पॉइंट लगा के 2 बार 0 कर दीजिए, अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 2 बार 0 कर दीजिएगा, और 0 करके और एंटर कर दीजिएगा, तो ये काम हो गया है आपका। अब यहाँ पर आप लिखिए 7.5, तो ये फुट अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7.5 लिखिएगा और एंटर करिएगा, तो फुट अपने आप आ जाएगा, ठीक है, 7.50 ये आ गया। अब इसी तरीके से 8.4 करते हैं, तो ये भी आ जाएगा, और फिर इन दोनों को इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा करके आप आसानी के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर इसको और इनटू इसका, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी मल्टीप्लाई करने पे भी देख सकते हैं ये आ गया है भाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा 7 और 8 का, तो इन दोनों का भी तो होगा, तो सबको जोड़ करके ये इतना फिट आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, DIV डिवाइड, कैसे डिवाइड करेंगे, वही तरीका कि आप सबसे पहले इक्वल्स टू लगा लीजिए और इसको डिवाइड करना है इससे, जिसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये देखिए डिवाइड हो गया, 0.89 आ गया फुट आ गया आपका, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना।